बॉलीवुड के माचो मैन ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ बहुत जल्दी फिल्म में एक साथ काम करते नजर आएंगे और इस फिल्म का नाम फाइटर्स होगा। ये खबर पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही थी। मीडिया में इस फिल्म के नाम को लेकर काफी चर्चाएं भी थी, लेकिन अब फिल्म के नाम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसका खुलासा खुद टाइगर श्रॉफ ने दी अपने इंटरव्यू में किया है। हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मैं इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हूँ। इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन पिछले दिनों मीडिया में एक खबर काफी वायरल हुई थी कि इस फिल्म का नाम मेकर्स ने फाइटर्स रखा है। मैं आपको बता दूं, अभी तक न फिल्म का पोस्टर जारी हुआ है, न ही फिल्म के नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। फिल्म के बारे में बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने आगे कहा, अभी तक मेकर्स ने फिल्म के टाइटल को लेकर किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। इसके बावजूद मीडिया में खबर आई है कि फिल्म का नाम तय हो गया है। मेकर्स फिलहाल फिल्म के नाम को लेकर बात कर रहे हैं, अभी भी नाम ढूंढा जा रहा है। फिल्म का नाम फाइटर होने वाली बात पूरी तरह गलत है। आपको बता दें कि फैंस इन दोनों स्टार्स को साथ में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। खबर के अनुसार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म यशराज बैनर तले बन रही है। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। ये पहली बार होगा जब ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ बड़े पर्दे पर एक साथ दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो वाणी कपूर इसमें फीमेल लीड रोल में नजर आएंगे। अब अनुप्रिया गोयनका भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी है। खबरों के अनुसार इस बार गांधी जयंती पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, यानी ये फिल्म 2 अक्टूबर को ही रिलीज होगी।